हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, ये एक 6283 का डबल चैनल ऑडियो बोर्ड है। ये बोर्ड आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगा। मार्केट में इसका प्राइस है कुछ 45 से 50 रुपये के आसपास, ठीक है। और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत ही अच्छा और क्लीन आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो अभी हम इसकी जो साउंड क्वालिटी एक बार टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो कनेक्शन डायग्राम वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कितना अच्छा है। देख सकते हैं ये बहुत ही लाउड वॉल्यूम पे आवाज निकलता है और बहुत ही क्लियर इसकी आवाज है। बिल्कुल आवाज में डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है। तो आज इसकी जो है कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी बोर्ड को चलाने के लिए पहले तो हमें पावर की जरूरत है, तो इसकी पावर की कनेक्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस साइड पे आपको 4 डायोड मिलता है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर के कॉन्फ़िगरेशन में है। ये 4 डायोड में आपको इधर मिलेगा, दो दो करके एक साथ लगा हुआ है। देखिए, ये 2 डायोड एक साथ कनेक्ट हुआ है और ये 2 डायोड एक साथ कनेक्ट हुआ है, और उसी दो कनेक्शन को निकाल कर इधर 2 सोल्डिंग करने के लिए जगह दिया हुआ है। यहाँ पे आपका पावर की इनपुट होगी। तो इसमें आपको प्लस माइनस के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करना, प्लस माइनस जो है ये ठीक हो जाएगा इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर से, ठीक है। इधर आप एसी और डीसी दे सकते हैं, और किसी भी कनेक्शन में प्लस माइनस दे सकते हैं अगर डीसी यूज करें तो, और एसी यूज करें तो। एसी में तो प्लस माइनस होता नहीं है। तो अभी इसमें जो बड़ा कैपेसिटर रहता है, इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव लेग है, इसमें आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होकर फिल्टर होकर जो एसी इधर डीसी होगा, वहाँ पे आपको ये नेगेटिव मिलेगा और इधर आपका पॉजिटिव वोल्टेज वीसीसी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली डीसी देना चाहते हैं तो इधर से भी दे सकते हैं और इधर से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड जो बड़ा कैपेसिटर है, ये पावर का कैपेसिटर है। तो आप इसको ज़्यादा करेंगे तो आपका बेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और अभी इसमें स्पीकर का आउटपुट देखेंगे। तो ये डबल चैनल का बोर्ड है, तो इसमें 2 चैनल आप अलग अलग स्पीकर लगा सकते हैं अलग अलग चैनल के लिए, ठीक है। तो इसकी जो अलग अलग इनपुट होगी और अलग अलग आउटपुट होगी, कहीं पर भी चैनल मिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ा कैपेसिटर तो हो गया, उसके बाद 2 मीडियम साइज के कैपेसिटर है, बाकी सब छोटे छोटे कैपेसिटर बहुत सारा लगा रहता है, ठीक है। इस पोजीशन पे आपको 2 मीडियम साइज के कैपेसिटर मिलेंगे। इसका वैल्यू होता है 10 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड। आपके बोर्ड में कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें आपको जो इस कैपेसिटर का 2 नेगेटिव लेग है, इस लेग से आपको स्पीकर का पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। तो मैंने पॉजिटिव आउटपुट को निकाला, एक यहाँ से और दूसरा को यहाँ से निकाला, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से मैं 2 स्पीकर का आउटपुट को निकाला और एक को ग्राउंड से ले लिया। देखिए, दोनों स्पीकर के लिए जो कॉमन माइनस है उसको ग्राउंड से ले लिया, ये जो ग्राउंड है इससे ले लिया, और दोनों स्पीकर का जो पॉजिटिव है वो दोनों ये 2 कैपेसिटर का नेगेटिव लेग से ले लिया। तो इधर आप देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड का कनेक्शन ये चारों तरफ फैला रहता है। यहाँ पे इधर है और इधर इस तरफ है ग्राउंड का कनेक्शन, और इधर जाके ये इस पिन से गुजर के इधर आके ये जो बड़ा प्लेट है ये भी ग्राउंड है, बट ये नहीं है, ये आपका अलग कनेक्शन है स्पीकर के लिए, इसको ग्राउंड मत समझना, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड है और दूसरा है ये ग्राउंड, तो आप कहीं पे भी ग्राउंड ले सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी इनपुट की। तो यहाँ पे 2 चैनल के लिए इनपुट मिल जाता है ये 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो आपके बोर्ड में ये पॉइंट डिफरेंट जगह पे हो सकता है, तो इसलिए आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस इनपुट को फाइंड करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पिन में ग्राउंड दिया रहता है, ये 6 नंबर का पिन है। इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर में जो आपका ग्राउंड मिलता है उसके 2 साइड में 2 इनपुट का पिन रहता है, ठीक है। तो एक इनपुट का पिन यहाँ से एक कैपेसिटर से होके यहाँ पे, और यहाँ से एक रजिस्टर से होके यहाँ पे ये लगा रहता है, और इधर भी सेम कैपेसिटर और बाकी रजिस्टर, तो रजिस्टर देखिए यहाँ पे लगा रखते हैं। तो ये 2 आपका जो है ऑडियो चैनल का इनपुट, 2 चैनल के, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल, किसी भी चैनल को आप समझ सकते हैं। और ये एक जो कॉमन, इसकी 2 चैनल का कॉमन नेगेटिव होगा ये बीच में, ये जो ग्राउंड कनेक्शन होगा इसमें, ठीक है। तो अभी इसको फाइंड करने का दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, जो सबसे इजी तरीका है। आप पहले स्पीकर को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद पावर दे दीजिए,
उसके बाद आप इसमें हाथ देके चेक कर सकते हैं कि नॉइज आ रहा है कि नहीं। देखिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों, अभी मैं बोर्ड में पावर दे दिया और स्पीकर भी लगा दिया और इसकी वॉल्यूम को ज़्यादा कर देता हूँ ताकि इसमें जो आवाज़ है वो मिले। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाथ हाथ देंगे तो ये आवाज़ करेगा, ठीक है। ये दोनों है इनपुट पिन, बाकी कनेक्शन में हाथ देंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। और ऊपर की तरफ हाथ नहीं देना है क्योंकि इधर भी तो इनपुट पिन रहता है तो इसलिए आवाज़ आएगा। तो ये नीचे जो आपको ये कनेक्शन मिलेगा इसमें आपको हाथ देने से ये आवाज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोनों स्पीकर का इनपुट है। देखिए तो अभी दिखाया जाता है कि इसकी वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे होता है। तो ये डबल चैनल का बोर्ड है इसीलिए हमें डबल चैनल का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। आप सिंगल चैनल का लगाए तो आपका दो चैनल मिक्स हो जाएगा और स्टीरियो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम की कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑडियो जैक मिलता है इसमें ये जो है ये आपका ग्राउंड है मतलब कॉमन माइनस है और ये दो चैनल का दो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों को एक फीमेल सॉकेट से लेके मैं ग्राउंड के लिए ये जो ब्लैक वायर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और दो चैनल के लिए ये दो रेड वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम को इधर पकड़ेंगे तो आपका जो दो चैनल जो फोन से इनपुट हुआ वो दो चैनल ये जो लेफ्ट साइड की दो पिन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट साइड की दो पिन है ये दो पिन को एक साथ सोल्ड करके इसको एक कॉमन ग्राउंड मिल गया, ठीक है। तो ये कॉमन ग्राउंड को इस ये जो फोन का जो इनपुट ग्राउंड है उसके साथ भी लगाऊंगा और ये जाके बोर्ड का ग्राउंड के साथ लगेगा, ठीक है। और बाकी जो बीच वाला दो टर्मिनल बचा है इसमें से दो आउटपुट को निकाल कर जो बोर्ड का इनपुट है ये दो इनपुट में लगा देंगे। तो क्या होगा, ये आपका डबल चैनल के लिए वायरिंग हो गया। तो आपको वायरिंग डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी आप जान गए होंगे कि इसकी कनेक्शन कैसे होता है। ये बहुत ही चीप और अच्छी क्वालिटी का एक बोर्ड है, तो आप इसको घर में एम्पलीफायर बना सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।